किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर एक बार आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, हम भी हर रविवार अपने फार्म हाउस पर जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है वहाँ चारों तरफ हरियाली, और हमारे फार्म हाउस के तो चारों तरफ काफ़ी सारे सब्जियों के खेत हैं। एक सुबह हमने क्या देखा कि राधे लाल जी, जो कि हमारे पड़ोसी हैं, वो अपने खेत में बैंगन की बम्पर भरपूर पैदावार देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने बैंगन तोड़ना शुरू किए। यहाँ से वहाँ से जहाँ से बैंगन उनके हाथ में आए, उन्होंने बैंगन तोड़ना शुरू किया। थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा कि वो डांट खा रहे हैं अपने भाइयों से, क्योंकि धाड़ धाड़ बैंगन तोड़ने के चक्कर में उन्होंने बहुत सारे बैंगन के डंठल तोड़ दिए, बहुत सारे बैंगन के तो पौधे ही तोड़ दिए। मैं भी वहाँ गई, मैंने उनसे कहा, राधेलाल जी थोड़ा सा आराम से करना चाहिए था, इसको तोड़ने का भी एक तरीका होता है, शायद मैं गलत बोल गई। वो भड़क गए, कहते हैं, मैडम हम तो इतने सालों से खेती कर रहे हैं, आप हमसे कह रही हैं कि इसका तरीका होता है। तो मैंने कहा, नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, ये तो आपको हमारे विशेषज्ञ बताएंगे कि फल और सब्जियों को कैसे तोड़ा जाता है। तो आइए, राधेलाल जी के साथ आज हम और आप भी जानेंगे कि फल और सब्जियों की तुड़ाई की क्या तकनीक होती है। लेकिन पहले हम देखेंगे खबरें खेती की और जानेंगे आज के मंडी के भाव। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कृषि की खास खबरों पर। रबी फसलों की बुवाई पूरी, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में किसान आगे आए, गेहूं को पत्ती झुलसा रोग से बचाएं, मसूर को फली वेधक कीट से बचाएं, उपयोगी दवा छिड़काव यंत्र पावर स्प्रेयर। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड से इस साल रबी फसलों की बढ़वार संतोषजनक है। रबी की प्रमुख फसलें गेहूं, चना, मसूर, सरसों इत्यादि की स्थिति बढ़िया है। मौसम विभाग ने कई स्थानों पर पाला पड़ने की चेतावनी जारी की है, लेकिन अभी तक कहीं से भी पाले के कारण नुकसान नहीं हुआ। कृषि विभाग किसानों को पाले से फसलों के बचाव हेतु लगातार संदेश प्रसारित कर रहा है। कृषि संचालनालय से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रदेश में रबी फसलों की बुवाई पूर्ण हो चुकी है। इस वर्ष निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 118 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई है। इसमें सबसे अधिक 62 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोया गया है। चने की बुवाई लक्ष्य से 1 लाख हेक्टेयर अधिक 33 लाख हेक्टेयर में हुई है। मटर 5, मसूर 6 एवं राई सरसों की बुवाई 8 लाख हेक्टेयर में हुई है। गन्ने की बुवाई 98,000 हेक्टेयर में की गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि गांव के परिवारों में दूध उत्पादन एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि बन गया है और किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए खेती बाड़ी के साथ इसे भी अपना रहे हैं। श्री सिंह ने यह बात कृषि मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की अंतर सत्रीय बैठक में कही। इस बैठक में राष्ट्रीय डेयरी योजना के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। राधामोहन सिंह ने कहा कि देश के लगभग 70 मिलियन ग्रामीण परिवार दूध उत्पादन में लगे हुए हैं। छोटे और सीमांत किसान तथा भूमिहीन श्रमिक व्यक्तिगत रूप से प्रतिदिन लगभग 1 से 3 लीटर दूध का उत्पादन कर देश के अधिकांश दूध का उत्पादन करते हैं। भारत के लगभग 78% किसान छोटे तथा सीमांत हैं, जिनके पास लगभग 75% मादा गौजातीय पशु हैं, परंतु केवल 40% फार्म भूमि है। दूध ग्रामीण परिवारों की सकल आय में लगभग 1/3 का तथा भूमिहीन लोगों के मामले में उनकी सकल आय के लगभग आधे हिस्से तक का योगदान करता है। किसान भाई दूध उत्पादन को बढ़ावा दें तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। गेहूं में पत्ती झुलसा रोग के प्रभाव से पत्तियों पर कुछ पीले व कुछ भूरापन लिए हुए अंडाकार धब्बे निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। ये धब्बे बाद में किनारों पर कत्थई भूरे रंग के तथा बीच में हल्के भूरे रंग के हो जाते हैं। रोग की अधिक तीव्रता में पत्तियां झुलस सी जाती हैं और पत्तियां जली सी लगने लगती हैं। इसके प्रबंधन के लिए पूर्ण रोग अवरोधी प्रजातियां उपलब्ध नहीं हैं, परंतु प्रायः नई प्रजातियां आंशिक रूप से अवरोधी हैं, उन्हें ही उगाना चाहिए। विटाबैक्स 200 का 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करने पर गेहूं के जमाव और बढ़वार में वृद्धि होती है। रोग के फैलने पर मैंकोजेब 2 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी अथवा जिनेव 75% 2.5 किलोग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल में 2 बार छिड़काव करें। मसूर की फसल को फली वेधक कीट से बचाना आवश्यक है। इस कीट की इल्ली हानिकारक होती है, जो कि विकसित हो रही फली एवं दानों को खाती है। पूर्ण विकसित फली में इल्ली के प्रवेश स्थान पर भूरा धब्बा बन जाता है, आगे चलकर यह जाला बनाती है। जाले में विष्ठा भी दिखाई देती है। इसके नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफॉस 600 मिली अथवा
क्यूनाल फॉस 1000 मिली की 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें अथवा क्यूनाल फॉस 1.5% डस्ट का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भुरकाव करें। पावर स्प्रेयर बड़े खेतों में कम समय में दवा छिड़कने के कार्य में आता है। यह पेट्रोल या पेट्रोल सह केरोसिन इंजन या बैटरी चलित मोटर से चलता है। यह हाइड्रोलिक टाइप का स्प्रेयर होता है। इसके मुख्य भाग पिस्टन, प्रेशर गेज, प्रेशर रेगुलेटर, एयर चैम्बर, सक्शन पाइप, जाली, निकास नली इत्यादि है। इसमें दो प्लास्टिक टैंक, एक ईंधन के लिए और एक पानी के लिए होता है। इस स्प्रेयर से 21 से 27 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दाव उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें आवश्यकतानुसार 4 से 6 निकासी नली लगाई जा सकती हैं। इसे नैपसैक की भांति पीठ पर रखकर चलाया जा सकता है। इसका भार 9 से 11 किलोग्राम तक होता है। इसमें स्प्रे का कंट्रोल वॉल्व धीरे धीरे खोला जाता है और वांछित प्रवाह दर पर नियमित किया जाता है। इसके निकास द्वार पर हवा की गति 65 से 75 मीटर प्रति सेकंड, क्षेत्र क्षमता 2 से 3 हेक्टेयर प्रति घंटा होती है। तो किसान भाइयों, खबर खेती में फिलहाल इतना ही और अब आप देखिए मंडी भाव। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। श्योपुर कला में न्यूनतम 3,491 रुपए और अधिकतम 3,619 रुपए, सतना में न्यूनतम 3,350 रुपए और अधिकतम 3,560 रुपए, बिछिया में न्यूनतम 3,650 रुपए और अधिकतम भाव भी 3,650 रुपए रहा, और मंडला में न्यूनतम 3,500 रुपए और अधिकतम भाव 3,600 रुपए रहा। इसके बाद जानते हैं मसूर के प्रति क्विंटल भाव। आगर में न्यूनतम 3,690 रुपए और अधिकतम 4,666 रुपए, काला पीपल में न्यूनतम 4,000 रुपए और अधिकतम 5,000 रुपए, सतना में न्यूनतम 4,025 रुपए और अधिकतम 4,850 रुपए, और शाजापुर में न्यूनतम 4,200 रुपए और अधिकतम भाव 4,385 रुपए रहा। अंत में जानते हैं अरहर के प्रति क्विंटल भाव। बुरहानपुर में न्यूनतम 3,500 रुपए और अधिकतम भाव 4,550 रुपए, छिंदवाड़ा में न्यूनतम 3,500 रुपए और अधिकतम 3,501 रुपए, खातेगांव में न्यूनतम 1,770 रुपए और अधिकतम 1,916 रुपए, और गाडरवाड़ा में न्यूनतम 3,900 रुपए और अधिकतम भाव 3,900 रुपए ही रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी स्वतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही है। हुँ? अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है।
इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है, हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। किसान भाइयों, अपने खेतों में लगे हुए फल और सब्जियों को किस तरह तोड़ें कि उन्हें कम से कम नुकसान हो, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे में इन्हें बाज़ार में बेच सकें। तो आइए आज इसी तकनीक के बारे में जानेंगे हमारे विशेषज्ञ कैलाश चंद्र महाजन जी से, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं कृषि महाविद्यालय गंज बासोदा में। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे फलों एवं सब्जियों की तोड़ाई कब एवं कैसे करें। फल एवं सब्जियों की तोड़ाई कब एवं कैसे करना चाहिए, यह आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जब फलों को या सब्जियों को इनके मौलिक वृक्षों या पौधों से अलग किया जाता है तब इनकी जैविक क्रियाओं में अंतर आ जाता है। एक ओर तो जहाँ जल की आपूर्ति, पोषक तत्वों की आपूर्ति बाधित होती है, वहीं दूसरी ओर फलों एवं सब्जियों में जो क्रियाएं आपकी शोषण की और वाष्पोत्सर्जन की, ये सदैव निरंतर चलती रहती है। अपरिपक्व फल जहाँ पे अम्ल की ज़्यादा मात्रा होने से कड़वा टेस्ट देते हैं तथा पकने पर ख़राब गुणवत्ता देते हैं, वहीं दूसरी ओर ज़्यादा परिपक्व फल बहुत ज़्यादा मुलायम होते हैं तथा वह जल्दी पक जाते हैं, जीर्णता की अवधि उनमें जल्दी आती है और भंडारण अवधि भी उनकी कम होती है। और सब्जियों में जब हम परिपक्वता की बात करें तो जो सब्जियां है वो जब पूर्ण तरह से विकसित हो जाए किंतु मुलायम रहे तब तोड़ी जाती है, तथा उनके ये सब्जियों का क्या उपयोग कर रहे हैं उस आधार पर भी उनकी परिपक्वता या उनकी तोड़ाई जो है हम लोग निश्चित करते हैं। जैसे कि यदि स्थानीय बाज़ार में हम लोगों को टमाटर भेजना है या टमाटर से केचप बनाए संसाधन करना है या प्यूरी बनाना है, तो टमाटर को हम लोग उस समय तोड़ते हैं जबकि उसका रंग पूरी तरह से लाल हो जाए। और यदि हम लोगों को टमाटर को किसी दूरस्थ बाज़ार में भेजना है, परिवहन में समय लगना है, मान लो 3-4 दिन का समय लगना है, तो हम टमाटर को उस समय तोड़ते हैं जबकि उसका जो लाल रंग या गुलाबी रंग विकसित होना आरंभ करे, यानी कि जो टमाटर की सतह है वो लगभग 30% से ज़्यादा आपकी गुलाबी या लाल या पिंक हो जाए और 60% से कम हो, तो उस अवस्था में हम लोग टमाटर की तोड़ाई करते हैं। ऐसे ही भिंडी की बात करें हम लोग या सेम की बात करें, तो ये चीज़ें जब कोमल रहती है तब इनकी तोड़ाई करना अच्छा रहता है। इसी तरह हम मूली की बात करें तो मूली में जो पीथीपन बनने की अवस्था है उससे पहले हम लोग उसकी तोड़ाई करना चाहिए ताकि उसकी गुणवत्ता प्रभावित ना हो। फलों की बात करें तो फलों को हम लोग पकने की दृष्टि से दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं, दो श्रेणी में विभाजित कर सकते हैं। पहली श्रेणी में हमारे क्लाइमेक्टेरिक फल आते हैं, तो ऐसे फलों में जो स्टार्च और इथिलीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ऐसे फलों को हम लोग पेड़ों से तोड़कर यानी कि पकने से पहले इनको पेड़ों से तोड़कर इन्हें कृत्रिम रूप से इथिलीन की सहायता से हम लोग पका सकते हैं। पकाने के लिए हम लोग जो आमतौर पर कार्बाइड वगैरह का जो यूज़ करते हैं वह प्रतिबंधित है, अतः कार्बाइड का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कार्बाइड में जो है आर्सेनिक और फास्फोरस के अंश पाए जाते हैं जो कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको प्रभावित करते हैं। तो क्लाइमेक्टेरिक फलों का उदाहरण हम लोग देखें तो जैसे आम हो गया, आपका केला हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया, ये क्लाइमेक्टेरिक फल की श्रेणी में आते हैं, यानी कि इनको पेड़ से तोड़कर हम लोग अलग से पका सकते हैं। दूसरी श्रेणी के जो फल आते हैं वो नॉन क्लाइमेक्टेरिक फल होते हैं, इनमें जो स्टार्च और इथिलीन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, तथा ऐसे फलों को हम लोग तोड़ने के बाद अलग से नहीं पका सकते हैं, है ना। तो इस तरह के फलों को जो है पेड़ पर ही पकने देना चाहिए, जैसे कि आपका संतरा हो गया, नींबू हो गया, अंगूर हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, इस तरह से। वैसे तो सारे फल जो उत्तम खाद्य गुणवत्ता आपकी तभी देंगे जब उनको पेड़ पर ही पकने दिया जाए। फलों एवं सब्जियों की तोड़ाई हम लोगों को कब करना चाहिए, इसके लिए कुछ परिपक्वता सूचकांक, जिन्हें कि हम लोग तोड़ाई की कसौटियाँ भी कहते हैं, निर्धारित है। तो हम लोग तोड़ाई की कसौटियों की बात करें तो सबसे पहली जो कसौटी आती है वो दृष्टिगत कसौटी, यानी कि हम लोग
देख के पता कर सकते हैं कि जो फल है पर्टिकुलर या सब्जी है वो तुड़ाई के लायक हुई है नहीं। तो इसमें जो पहली दृष्टिगत या विजुअल तुड़ाई की कसौटी में सबसे पहला जो आता है आपका वो रंग है। हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे फल आपका पकने के ऊपर आता है तो उसका रंग जो है हरे से लाल, पीला या गुलाबी हो जाता है। जैसे हम लोग अमरूद की बात करें तो अमरूद का रंग जब गहरे हरे से हल्का हार हो जाए तब उसे तोड़ लेना चाहिए। ऐसे आम का रंग जब हरे से आपका पीला, गुलाबी या लाल हो जाए तब उसे तोड़ लेना चाहिए। इसी प्रकार से जो है फलों का आकार भी हम लोग देखते हैं, ये पूर्णतः अनुभव के आधार पर होता है कि जब फल अपने पूर्ण आकार में आ जाए तब उसे तोड़ लेना चाहिए। इसके अलावा बीज का रंग भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे बीज आपके कड़े, भूरे या मखनी हो जाए तब हमें उसे तोड़ लेना चाहिए। इसी तरह से जो दूसरी कसौटी आती है आपकी तुड़ाई की वो भौतिक कसौटी के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत जो है हम लोग देखते हैं कि जब एक दो फल आपके पेड़ से अपने आप गिरने लगते हैं तो उस समय हम लोगों को देखना चाहिए कि फल तोड़ने लायक हो गए हैं। ये कुछ ही फलों में हालांकि उपयोग कर सकते हैं, जैसे आपका आम हो गया, बेर हो गया, खजूर हो गया, इस तरह के फलों में इस कसौटी का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। जो दूसरी भौतिक कसौटी है आपकी वो अपेक्षित घनत्व होता है, क्योंकि जैसे जैसे फल आपके पकने लगते हैं वैसे वैसे उनकी जो डेंसिटी या जो घनत्व वो बढ़ते जाता है, तो इसका भी हम लोग फलों की तुड़ाई में उपयोग कर सकते हैं। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट गांव। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, इस समय जिस तरह की सर्दी पड़ रही है, पाला पड़ रहा है, कोहरा छा रहा है, हमारे खेतों में लगी हुई फसलें बहुत सारे ऐसे समसामयिक कार्य मांगती हैं जिससे कि हम अपने फसलों को नुकसान से बचा सकें। क्या हैं वे कार्य, आइए जानेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर एस के श्रीवास्तव जी से, जो कि निदेशक हैं विस्तार विभाग विजया राजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय ग्वालियर से। हमारे खेतों में इस समय गेहूं की फसल, चने की फसल और मसूर की फसल मुख्य रूप से उगाई जा रही हैं। साथ ही साथ सब्जियों की फसलें हैं, मटर की फसल है और अन्य फसलें हैं। हमको इस समय विशेष रूप से कुछ चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी तापमान सामान्य ही है, केवल कुछ क्षेत्रों में एक दो दिनों के लिए तापमान काफ़ी कम हुए थे और वहाँ पे कहीं कहीं कुछ फसलों पे विपरीत प्रभाव पड़ा है। तो आगे आने वाले समय में यद्यपि हम सभी जानते हैं कि पाले की आशंका मकर संक्रांति तक अधिक रहती है और मकर संक्रांति निकल चुकी है, आप सभी लोगों को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन फिर भी हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। और यदि हम देखते हैं कि तापमान में गिरावट हो रही है तो हम पाले से बचाव के लिए फसलों के चारों ओर जो बंड हैं, मेड़ हैं, वहाँ पे कचरा इकट्ठा करके और उसमें आग लगा करके धुआं कर दें। साथ ही साथ सिंचाई जहाँ कहीं भी उपलब्ध हो खेतों में हल्की सिंचाई अवश्य करते रहें, जिससे पाले की आशंका यदि होती है तो उसका विपरीत प्रभाव फसलों की उपज पे नुकसान कम से कम हो। इस समय हमें
खास तौर से चने की फसल और मसूर की फसल पे कीड़ों के प्रकोप की आशंका जब बादल रहते हैं तब होने की और चने की इल्ली की आशंका रहती है, कहीं कहीं चने की इल्लियाँ दिखाई दे रही हैं, तो हमको इस पे सावधानी रखनी चाहिए। और जहाँ कहीं पे भी हमको इल्लियाँ दिखाई देना शुरू होती है हमको तुरंत उनकी रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए, जिसके लिए आप शुरुआती दौर में बहुत कम पैसों के द्वारा इनका नियंत्रण कर सकते हैं। जिनके पास निमौली है, सूखी हुई निमौली, उसको कूट करके चूरा बना लें और उसको रात में किसी कपड़े की थैली में भिगो दें। लगभग 25 किलो प्रति हेक्टेयर के मान से इसको भिगो करके और सुबह उसका रस निकाल लीजिए और उसमें कोई भी चिपकने वाला पदार्थ मिला करके उसका छिड़काव कर दीजिए, जिससे शुरुआती दौर की इल्लियाँ जो हैं उनका नियंत्रण हो जाता है। अगर इसके पश्चात भी इल्लियों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है तब हमको दवाओं का उपयोग करना चाहिए, चाहे क्लोरोपायरीफास हो, क्विनालफास हो, प्रोफेनोफास हो, इन दवाओं का छिड़काव करके हमको इल्लियों के नियंत्रण का प्रभावी नियंत्रण करना चाहिए। साथ ही साथ मसूर की फसल, अलसी की फसल और मटर की फसल, इसमें जो है पाउडरी मिल्ड्यू रोग या भभूतिया रोग जिसको हम कहते हैं, सफ़ेद सफ़ेद पाउडर फैल जाता है पत्तियों के ऊपर, सभी लगभग भाग प्रभावित होते हैं, फसल सूखने लगती है और उसमें उपज बहुत कम मिलती है। तो जहाँ कहीं प्रारंभिक लक्षण भभूतिया के दिखाई देते हैं, पत्तियों की निचली पत्तियों पे सफ़ेद सफ़ेद पाउडर दिखाई देता है, तुरंत ही हमको प्रभावी कदम उठाने चाहिए और उसके लिए जो दवाएँ हैं, कार्बेंडाजीम दवा है या थायोफेनेट मिथाइल दवा है, इन दवाओं का तुरंत 0.05 से 0.1%, आधा ग्राम से एक ग्राम प्रति लीटर के मान से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें यदि सावधानी रखते हैं तो हमको काफ़ी इसमें फ़ायदा मिलेगा और हमारी फसल को जो नुकसान होते हैं वो कम होंगे। गेहूं की फसल में हमें क्रांतिक अवस्थाओं पे सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। जिस भी अवधि का और जिस जाति का आपने गेहूं की जातियां लगा रखी हैं, जो हमारी कम पानी की हैं उसमें केवल 2 या 3 पानी से काम चल जाता है, जो अधिक पानी की सिंचित जातियां हैं उनमें 5 पानी लगते हैं, और जो भी उसकी क्रांतिक अवस्थाएं हैं वो लगभग आ चुकी हैं, जो क्रीट जड़ें निकलती हैं वो उस अवस्था निकल चुकी है और तुरंत ही हम उन पर क्रांतिक अवस्थाओं पर जो सिंचाई है वो करें। कोशिश ये करें कि हम जो पूरी खेतों में पानी भर देते हैं वो सिंचाई की पद्धति ना अपना करके दूसरी पद्धतियां जो हैं बीच में नालियां निकाल करके और उससे सिंचाई करें, जिससे हमको जल की कमी जो है उसका हम सामना कर सकें और कम पानी में अधिक से अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई करी जा सकते। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी ये नारा दिया है हम सभी को, जो भी जल हमारे पास उपलब्ध है उसका समुचित उपयोग करें, अधिक से अधिक उपयोग करें, मोर क्रॉप पर ड्रॉप ऑफ वाटर। तो ये इन चीज़ों पे आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ गेहूं की फसल पे कहीं कहीं जो हमारा शरबती गेहूँ खास तौर से असिंचित गेहूँ खास जिसको हम कहते हैं, उसमें कहीं कहीं गेहूँ के पौधे सूखने की समस्या, गोलाई में पीले पड़ करके पत्तियाँ पीली पड़ती हैं और पौधे सूखने रहते हैं, इसमें दो चीज़ें मुख्य रूप से रहती हैं। एक जड़ का माहू रहता है, जो आप खोद करके देखिएगा तो जड़ों पे चिपके हुए भूरे रंग के छोटे छोटे माहू दिखाई देते हैं, और दूसरा जहाँ कहीं पे भी दीमक की समस्या है, और दोनों ही समस्याओं के निदान के लिए यदि हम क्लोरोपायरीफास दवा वो पानी जब देते हैं तो पानी में मिला दें, जहाँ से बरा निकल रहा है उसके ऊपर किसी डब्बे में दवा भर करके और उसमें छेद करके एक बत्ती बना दें, एक एक बूंद दवा वो बरे में पानी के साथ मिलकर के खेत में जाएगी और हमारा इससे प्रभावी नियंत्रण मिल सकेगा। तो ये कुछ हमारी जो समस्याएं आने वाली हैं इनके निदान के लिए आप लोग सावधान रहिए। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे, अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी, ना हो परेशान क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के आज के अंक में हमने राधे लाल जी के साथ साथ जाना कि फल और सब्जियों की तुड़ाई किस तरह करें कि उन्हें कम से कम नुकसान हो, साथ ही रबी फसलों में इस समय कौन से समसामयिक कार्य करने आवश्यक हैं इसकी जानकारी भी हमने ली। अगले सप्ताह कुछ नए विषयों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कि लिपि जैन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।